वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई अमन आ चुका हूँ नए ब्लॉग के साथ आपके बीच में। तो भाई जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, आज आपका भाई कहाँ आया है, तो मैं लखनऊ के स्काई जंपर में जो कि गोमती नगर के विकल्प खंड में है, जो नया खुला अभी लखनऊ भाई। तो सोचा कि आज 26 जनवरी और आप सभी को एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे। तो भाई चलते हैं अंदर और इसमें अंदर क्या क्या कैसे होता है, कैसे एंट्री होती है, क्या टाइमिंग है और पूरा एड्रेस इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अब चलते हैं अंदर। आ गए अब हम अंदर और भाई जैसा कि आप देख सकते हो, रिपब्लिक डे की वजह से सभी लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये टिकट काउंटर है जो आप इधर मेरे राइट साइड में वीडियो को देख रहे हो, जहाँ पे ये लेडी और ये भाई बैठे हैं, ये लोग टिकट कर रहे हैं। और उससे पहले आपको यहाँ पे एक स्कैनर मिलेगा, उस पर स्कैन करके और ये जो स्क्रीन लगी है उस पर भी आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है। हम अब निकालते हैं अपने शूज और अब हमको मिलेंगे वहाँ पे सॉक्स, उसको पहनते हैं उसके बाद निकलते हैं हम। तो भाई मैं चेंज करता हूँ शूज और चलता हूँ अपने सॉक्स लेने के लिए। सॉक्स के आपको कोई चार्ज नहीं है, वो टिकट के ही चार्ज में इंक्लूड है और टिकट का चार्ज मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। हमारी एंट्री इसके अंदर से और अभी मैंने स्कैन करना होगा हमको, तो हमको अपना बैंड यहाँ पे स्कैन करना होगा और स्कैन हमको जहाँ पे बैंड में वाइट साइड दिया होगा, जैसा कि ये भी गलत कर रही थी। और जब ये वाइट साइड वाला टच करेगी, जैसा कि मैं आपको बैंड में दिखा रहा हूँ इस समय स्क्रीन पे, वाइट वाला जब आप इस पे टच करोगे तो आप इजीली अंदर जा सकते हो। वरना कितनी बार ऐसा ऑकवर्ड लगता है जब सही से नहीं आप लगाते हो और आपको कई बार स्कैन करना पड़ता है। तो एंट्री हो गई हमारी और अब चलते हैं हम भी मजा करने भाई। और इधर बहुत सारे लोग हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सब एंजॉय कर रहे हैं, हम भी चलते हैं एंजॉय। बस आप लोगों के लिए आया भाई, तो वीडियो में प्यार अच्छा दिखाना और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे एंट्री है, क्या है सब कुछ। वैसे आपने वीडियो में पहले तो थोड़ा समझ ही लिया होगा, पर मैं आखिरी तक पूरा आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं इस पर नीचे, क्या बोलते भाई इसको, डोनर्स लाइट पे। अब इस बच्ची को ऐसे कूदता देख के मैं भी हिम्मत इकट्ठा कर चुका हूँ और अब मैं भी चलता हूँ कूदने के लिए, देखता हूँ क्या होता है। तो भाई इधर दिख रही है आपको रोप, अब इसको पकड़ के आपका भाई कूदने वाला है, देखते हैं क्या होता है। खतरनाक दिख गया, इस पर चढ़ने वाला, इस पर कोई नहीं चढ़ रहा है, तो इस पर चलता हूँ मैं चढ़ने के लिए और देखते कहाँ तक हम जा पाते हैं। Thank you.
टाइम मेरा हो गया खत्म, और जैसा कि आप सुन रहे हैं अनाउंसमेंट हो रही है तो हमको चलना होगा क्योंकि हमारा ऑरेंज कलर बैंड है। यहाँ से होगी अपनी एग्जिट क्योंकि हमारा ऑरेंज है और हमको निकलना है। अभी भी अनाउंसमेंट हो रही है लगातार। तो अब चलते हैं हम सॉक्स निकाल के अपने शूज़ पहनने के लिए, और अगर आप सॉक्स चाहो तो घर भी ले जा सकते हो, वो आपके हो गए हैं। और इधर से रास्ता भाई ऊपर जो मैंने अभी फूड कोर्ट आपको वीडियो में दिखाया था वो फूड कोर्ट का भी रास्ता है। अंदर गया था तो एकदम हालत सही थी और अब बाहर निकला हूँ तो एकदम हालत ख़राब, बहुत ही ज़्यादा आज भीड़ भी है। पूरी पार्किंग देख सकते हो पूरी फुल है। तो अब चलते हैं हम सीधे गाड़ी में। ठीक है भाई गाड़ी में, और हालत देख के आप समझ सकते हो एकदम ख़राब है। तो भाई आपसे ये बता रहा था कि इसका जो एड्रेस है वो है विकल्प खंड में गोमती नगर में मल्हौर रोड पे नया ग्रीन गैस फ्यूलिंग स्टेशन खुला है, उसी के जस्ट बगल में ही है, आप आओगे तो पता चल जाएगा। और भाई जो इसका रेट है वो है 560 रुपये मुझे पड़ा एक लोग का आधे घंटे के लिए, और अगर आपको एक घंटे के लिए चाहिए था तो 784 या 790 रुपये आपको देने पड़ते एक लोग का पर हेड। जितने लोग आपके साथ जाएंगे उतने लोग का आपको टिकट लेना होगा, और अगर कोई नहीं अंदर जाना चाहता है जैसे बच्चे हैं, खाली बच्चे जाना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं जाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स के लिए बाहर ही बैठने वाला बना है। आप वहाँ बैठ भी सकते हो, या वीडियो में आपने जैसे देखा कि साइड से जो जहाँ बिलिंग काउंटर था उसके साइड से एक स्टेयर्स गई थी, तो वहाँ से आप जाके कैफ़े है वो आप इंजॉय कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो भी खाना पीना आप सब खा पी सकते हो। तो भाई मैं तो बस व्लॉग के लिए गया था आप लोगों को दिखाने के लिए, और आप लोगों के चक्कर में मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया एकदम। पर अगर बात करें प्राइस की और टाइमिंग की तो भाई टाइमिंग थोड़ी सी कम है, मतलब मुझे ऐसा लगा क्योंकि भाई मुझे अपने पैसों से बहुत प्यार है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई टाइमिंग थोड़ी कम है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपको 580 या 590 रुपये दे रहा है और आप उसको बस आधे घंटे का टाइम दे रहे हो तो भाई ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ है, कम से कम 45 मिनट्स तो इनको देने चाहिए। और हाँ ये भी बता दूँ कि जब आपका टाइम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे आपको जो बैंड जिस कलर का है आपका, दिखाता हूँ आपको मैं, ये बैंड जो है ये हमारा ऑरेंज कलर का था, तो जिस कलर का आपका बैंड होगा उस नाम से वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगेगी कि ऑरेंज कलर बैंड योर टाइम इज़ ओवर, मतलब ऐसे करके कि आप आ जाओ बाहर। तो ये भाई मुझे थोड़ा बुरा लगा कि भाई टाइम मतलब 45 मिनट होना चाहिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो ठीक है भाई, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, राम राम सभी भाइयों को। और अगर किसी को कोई और भी बात पूछनी होगी यहाँ से रिलेटेड तो मेरी इंस्टा आईडी आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, DM करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा और बता दूंगा सारी चीज़ें और भी डिटेल में। तब तक राम राम सभी भाइयों।